हेलो फ्रेंड्स, आज हमें जो पढ़ना है वो है दृष्टि ग्राफ। दृष्टि ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ या डाइग्राफ। डाइग्राफ कहते किसे हैं? इसकी डेफिनेशन है, माना वी एक अरेक्ट परिमित समुच्चय है। कोई वी एक समुच्चय है जो कि अरेक्ट है, उसमें कुछ ना कुछ सेट है, जरूर कोई ना कोई पॉइंट है उसमें। तथा ई ई जो है वो दृष्ट कोणों का एक समुच्चय है, जिसमें कोण जो होंगे उनको ये डायरेक्शन दी हुई होगी। जैसे कोई ग्राफ होगा तो उसमें इस तरह से डायरेक्शन दी हुई होगी, V1, V2 और ये E है, इसको कोई डायरेक्शन दी होगी, वो ये दे सकते हैं, इस तरह से दी हुई होगी कोई डायरेक्शन। ऐसे कोणों का समुच्चय वो E, तब संरचना GBE एक दृष्ट ग्राफ कहलाती है। जो संरचना बनेगी, जैसे इनसे कोई ग्राफ इसमें और भी बन सकते हैं, इसमें V2 है, V1 है, V2 है, या V3 हो गया, इसको कोई डायरेक्शन इस तरह से दे दो, ये इस तरह से वो बन गया ग्राफ। जो ये ग्राफ है ये एक दृष्ट ग्राफ कहलाता है, इस तरह से बना हुआ ग्राफ। समुच्चय V शीर्षों का समुच्चय कहलाता है तथा E दृष्ट समुच्चय कहलाता है। यदि कोई दृष्ट कोण, यदि कोई दृष्ट कोण ई बिलोंग्स टू ई समुच्चय वी के शीर्षों यू तथा बी पर क्रमित युग्म को निरूपित करती है, तो इसे डायरेक्टेड युग्म फ्रॉम द वर्टेक्स यू टू वर्टेक्स बी कहते हैं। जैसे इसमें ये है, इसमें ये हमने एग्जांपल लिया था, इसमें ये कोई दृष्ट कोण है ई वन, ई वन जो जा रही है वो वी वन से वी टू जा रही है, तो इसको कहेंगे ई वन इज अ कोर फ्रॉम वी वन टू वी टू। यानी कि हम इसमें ये दिखाते हैं कि जहाँ से जा रही है कहाँ के लिए जा रही है। जैसे V1 से V2 के लिए जा रही है, यहाँ पे V3 E2, इसको हम E2 दे देते हैं, इज अ कोर फ्रॉम V3 टू V2, ये हो गया फ्रेंड्स। अब दृष्ट ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि, फ्रेंड्स हमने पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था सीधे कोई ग्राफ होगा उसमें किसी शीर्ष की कोटि, अब इसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्ट ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि, यानी कोई डायरेक्टेड ग्राफ होगा उसमें किसी शीर्ष की कोटि किस तरह से निकालते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी ग्राफ, दृष्ट ग्राफ GBE में उन कोणों की संख्या जिसका आदि शीर्ष बी है, शीर्ष बी की बाह्य कोटि कहलाता है। जैसे आदि शीर्ष का मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था, इसमें ये V1 से स्टार्ट होकर V2 पर जा रही है, V2 आदि शीर्ष है, तो इसकी जो ये कोटि है बाह्य शीर्ष V1 की बाह्य कोटि क्या है अपने पास, 1। एंड आगे हम पढ़ते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। दृष्ट ग्राफ GBE में उन अनंत कोरों की संख्या जिसका अंत शीर्ष V है, शीर्ष की अंत कोटि कहलाती है। जैसे यहाँ से हम ये देख लेते हैं, यहाँ से जाके V2 पे जा रही है, यहाँ से भी ये V2 पे जा रही है, तो V2 के V2 की अंत कोटि इस पर कितनी आ रही हैं, मतलब कितनी इस पर आके समाप्त हो रही हैं, कितनी कोट समाप्त हो रही हैं, तो एक ये आके और एक ये आके, दो समाप्त हो रही है, तो इसकी 2 हो गई। इसी तरह V3 की बाह्य कोटि बराबर 1। अब अगर हम जैसे यहाँ पर देखें V1 की अंतकोटि, मतलब V1 पे आगे कौन सी जो कोर है ख़त्म हो रही, कोई नहीं हो रही, तो उसकी कोटि 0 हो जाएगी। इस तरह V3 की अंतकोटि 0, V2 की बाह्य कोटि हम देखते हैं तो V2 से कोई भी कोर नहीं जा रही है, तो V2 की बाह्य कोटि जो होगी वो 0 होगी। अब लूप में शीर्ष बी को डिग्री पॉजिटिव, मतलब जहाँ से जा रही है, यहाँ से जाने वाले को डिग्री पॉजिटिव और यहाँ जहाँ पे वो आग खत्म हो रही है उसको डिग्री नेगेटिव कहते हैं। यहाँ पे हम भी देख सकते हैं शीर्ष बी की बाह्य कोटि जहाँ से जा रही है उसमें डिग्री पॉजिटिव शो करते हैं, और जहाँ पे आगे खत्म हो रही है वहाँ पे हम डिग्री नेगेटिव द्वारा शो करते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो है सरल दृष्टि ग्राफ। सरल दृष्टि ग्राफ यानी सिंपल डायग्राफ।
सिंपल डायग्राफ कहते किसे हैं? सिंपल डायग्राफ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंपल डायग्राफ कहते हैं एक दृष्ट ग्राफ जिसमें कोई भी पास या लूप विद्यमान नहीं हो, सरल दृष्ट ग्राफ कहलाता है। एक दृष्ट ग्राफ जिसमें कोई भी पास या लूप नहीं हो, सरल दृष्ट ग्राफ कहलाता है। मतलब कि कोई भी ग्राफ होगा, जैसे यहाँ पे ये ग्राफ है, अपने पास ये लिया था हमने ग्राफ V1 से V2 V3, ये सरल ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना तो समांतर ग्राफ लूप है इसके, ना यहाँ कोई जैसे पास मतलब V1 से V2 पे ख़त्म होने वाले कोई भी अपने पास कोण नहीं है, ना ही यहाँ पे जैसे हाँ। तो ऐसे ग्राफ अगर जैसे यहाँ पे ये हो ये, तो ये हमारे पास सरल ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे पास लूप नहीं बना रहा, तो ये सरल ग्राफ है। अब भी उसके बाद आता है जो हम पढ़ते हैं प्रतिसंबद्ध दृष्ट ग्राफ। प्रतिसंबद्ध दृष्ट ग्राफ या फिर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक डायग्राफ। सिमेट्रिक डायग्राफ किसे कहते हैं? ये सिमेट्रिक डायग्राफ किसी किन्हीं दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोर हो तो उस ग्राफ को कोई भी दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोर हो तो उस ग्राफ को प्रतिसंबद्ध ग्राफ कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं, किन्हीं दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोर हो, एक से अधिक कोर हो तो उसे प्रतिसंबद्ध डायग्राफ कहते हैं। जैसे कि अपने पास ये ग्राफ लिया था, ये हमारे पास पहले से ग्राफ है। इस ग्राफ में यहाँ पे जब V1 और V2 एंड V3 के पास यहाँ पे एक कोर है, यहाँ पे दो कोर हैं, तो ये इस तरह का ग्राफ हुआ ना, ये अपने पास प्रतिसंबद्ध ग्राफ है। उसके बाद आता है अपने पास सममित ग्राफ। सममित ग्राफ किसे कहते हैं? सममित ग्राफ दृष्ट ग्राफ, कोई एक दृष्ट ग्राफ होगा, एक सममित ग्राफ कहलाता है जिसमें किन्हीं दो शीर्षों के मध्य केवल एक ही कोर हो तो उसे सममित कहते हैं। जैसे कि ये अपने पास ये कोई भी ग्राफ बना लेते हैं, मतलब यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। किन्हीं दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक, यहाँ तो एक से अधिक होंगे, वहाँ केवल प्रतिसंबद्ध सममित ग्राफ में होगा एक ही कोर होगी। जैसे यहाँ पे कोई ग्राफ है ये V1 V2 V3, तो एक ही है इसके पास केवल कोर एक ही है। अगर इसके पास कोर दो से ज़्यादा हो जाए तो प्रतिसंबद्ध हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही कोर है तो ये सममित ग्राफ हुआ। अब आता है अपने पास जो अपने पास डे आता है वो आता है पूर्ण दृष्ट ग्राफ। पूर्ण दृष्ट ग्राफ क्या कहते हैं? पूर्ण दृष्ट ग्राफ कंप्लीट डायग्राफ। अब कंप्लीट डायग्राफ किसे कहते हैं? ऐसा सरल दृष्ट ग्राफ, कोई एक सरल होगा जो ग्राफ होगा वो सरल दृष्ट ग्राफ होगा। सरल दृष्ट ग्राफ से मतलब कोई भी जो ग्राफ होगा उसमें कोई भी पास या लूप नहीं होगा, मतलब ऐसा सरल दृष्ट ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष को संबंध करने वाली यथार्थ एक दृष्ट कोर हो। मतलब ऐसा सरल दृष्ट ग्राफ जिसको प्रत्येक शीर्ष से संबंध करने वाली यथार्थ एक दृष्ट कोर हो, पूर्णतः सममित ग्राफ कहलाता है। अब जैसे कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ विशेष सर्कुलर मतलब पहले से डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन है एक सरल दृष्ट ग्राफ।
जिसमें प्रत्येक शीर्ष को संबद्ध करने वाली यथार्थ एक दृष्टिकोण एक दृष्टिकोण हो, एक पूर्णतः समृद्ध दृष्टिग्राफ कहलाता है। इसका मतलब ये रहा फ्रेंड्स अपने पास कि कोई भी जो ग्राफ होगा दृष्टिग्राफ होगा उसमें कोई भी ऐसा शीर्ष नहीं होगा जो विपरीत शीर्ष हो, उसको किसी ना किसी तरह से संबंध होगा, ऐसा ग्राफ है। सरल दृष्टिग्राफ कहलाता है। अब कुछ उसमें से हम एग्जांपल पढ़ते हैं। जो पहला एग्जांपल होता है वो है अपने पास नियमित ग्राफ या रेगुलर ग्राफ। अब रेगुलर ग्राफ क्या होता है? रेगुलर ग्राफ होता है कोई भी जो ग्राफ होगा जीबी, एक नियमित ग्राफ कहलाता है यदि उसके सभी शीर्षों पर कोटियों की संख्या समान हो। अब जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है ये ग्राफ अपने पास V1, V2, V3, V4, तो ये जो अपने पास ग्राफ है ये एक नियमित ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे शीर्षों कोटि क्या है, इसके पास दो है, इसकी कोटि क्या है, इसके कोटि भी दो है। इसको हम दे देते हैं डायरेक्शन E1 दे देते हैं, डायरेक्शन नहीं देते सॉरी E1, जैसे E2, E3, E4, तो ये नियमित ग्राफ है क्योंकि इसकी भी दो है कोटि, इसकी भी कोटि दो है, इसकी भी कोटि दो है। मतलब नियमित ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा, मतलब नियमित ग्राफ जो डेफिनेशन वो है ऐसा ग्राफ जिसके ऐसा ग्राफ जिसके प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान हो। ऐसा कोई भी ग्राफ हो जिसके प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान हो नियमित ग्राफ कहलाता है। अब जैसे हम पांच वाले ले लेते हैं इस तरह से V1, V2, V3, V4, V5, ये E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है। इसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या है? दो है, इस कोटि की दो, इसकी दो है, 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 क्योंकि इस पर दो ही लाइन आ रही हैं या जा रही हैं, तो इसकी शीर्ष इसकी कोटि क्या है? दो है। ये एक नियमित ग्राफ होगा। अगर हम यहाँ पे ये कर देते हैं तो एक ग्राफ नियमित ग्राफ नहीं रहा क्योंकि इसकी कोटि तीन हो गई, इसकी कोटि तीन हो चुकी है, तो ये ग्राफ नियमित नहीं रहेगा। अब इसको हम नियमित बनाने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, अगर हम कोई और भी कोटि डाल दें, ये डाल दें, तो इस कंडीशन में भी अपने पास ये नियमित नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे भी दो तीन है, यहाँ पे तीन है, लेकिन यहाँ पे दो हैं। अब यहाँ पे हम तीन बनाने की कोशिश करते हैं तो इस कंडीशन में ये इस यह कर देते हैं, तो इस कंडीशन में अपने पास ये हो गया या तीन हो गए लेकिन यहाँ पे चार हो गए, इससे अब भी नहीं बना। अब हम इस तरह से ये बना देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि प्रत्येक की कोटि ये चार है, चार 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 चार। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ में हमारे पास पांच थे तो उसकी प्रत्येक कोटि चार होनी चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास चार शीर्ष थे तो उसकी कोटि दो के साथ भी बन चुका था। यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि शीर्षों की जो कोटि है वो संख्या कोटियों की संख्या है ना वो समान होनी चाहिए, प्रत्येक शीर्ष पर जो कोटि है उसकी संख्या समान होनी चाहिए। अब आता है अपने पास पूर्ण ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या कहते हैं? मतलब कोई भी सरल दृष्टि ग्राफ होगा जिसके शीर्ष की कोटि, जिसके प्रत्येक शीर्ष की कोटि n-1 होगी। n-1 का मतलब एक सरल ग्राफ जिसके प्रत्येक शीर्ष, अगर शीर्षों की संख्या उसमें होगी n, शीर्षों की संख्या n होगी तो उसके प्रत्येक शीर्ष की कोटि n-1 होगी, पूर्ण ग्राफ कहलाता है। या इसकी हम डेफिनेशन इससे भी ले सकते हैं, ऐसा ग्राफ जिसका प्रत्येक शीर्ष अन्य प्रत्येक शीर्ष से जुड़ा हुआ हो, सिर्फ कोण द्वारा जुड़ा हुआ पूर्ण ग्राफ कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था, ये लिया था हमने, ये कोण ले लेते हैं हम, जैसे ये V1, V2, V3, V4, V5, V6,
इसको हम E1 दे दिया नाम, E2 दे दिया, E3 दे दिया, E4 दे दिया, E5 दे दिया, E6 दे दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या है, दो है। तो ये रेगुलर, तो रेगुलर ग्राफ तो है लेकिन एक पूर्ण ग्राफ नहीं है। पूर्ण ग्राफ बनाने के लिए प्रत्येक शीर्ष कोटि क्या होनी चाहिए, n-1। यहाँ कितने शीर्ष हैं, शीर्ष हैं यहाँ पे शीर्ष n = 6। तो प्रत्येक शीर्ष की जो कोटि होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए। अब प्रत्येक शीर्ष की 5 कोटि के लिए हमें ये हम लूप द्वारा नहीं कर सकते इसको, हम लूप जैसे हम कोशिश करें कि हम लूप बना दें, किसी ने हमें लूप नहीं बनाना। इसके लिए हमें प्रत्येक अन्य शीर्ष को, जैसे हम कोई भी शीर्ष ले लेते हैं उसको प्रत्येक दूसरे जो दूसरा शीर्ष शीर्ष होगा उससे जोड़ना है। जैसे हमने V6 को ले लिया, V6 को V1 से जोड़ना है जो जुड़ा हुआ है, V2 से जोड़ना है जुड़ा हुआ है, V3 से जोड़ना है जुड़ गया, V4 से जुड़ गया, V5 से जुड़ गया। अब इसकी शीर्ष की कोटि देख सकते हैं हम, किसी कोटि क्या हुई 1 2 3 4 5। अब इसकी कोटि 5 हो गई इस, और n-1 हमें इस तरह प्रत्येक शीर्ष की कोटि चाहिए। तो इसमें हम V1 की भी कोटि हम 5 करनी होगी। अब V1 की कोटि देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये भी हो चुकी है 5। अब V2 की कोटि देखो 1 2 3 4 5, ये हो चुकी है। इसकी देखते हैं हम 1 2 3 4 4 है इसकी, तो इसकी 5 करने के लिए हम यहाँ से मिला दिया, इसकी कोटी 5 हो चुकी है। इसकी देखते हैं हम V4 की कोटि 1 2 3 4 5, इसकी 5, इसकी अब प्रत्येक शीर्ष की कोटि अब इसकी 5 है। तो प्रत्येक शीर्ष की कोटि होगी अपने पास 5, प्रत्येक शीर्ष की कोटि 5। फ्रेंड्स अभी हमने पहले इससे जो पहले पढ़ा था नियमित ग्राफ, और अब पढ़ रहे थे हम पूर्ण ग्राफ। तो हम हमारे पास यहाँ से एक हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि प्रत्येक जो भी एक पूर्ण ग्राफ होगा, एक जो भी पूर्ण ग्राफ होगा वो हमेशा नियमित ग्राफ होगा। क्यों, नियमित ग्राफ क्या कहता है, नियमित ग्राफ कहता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान हो। और नियमित ग्राफ क्या कहता है, और पूर्ण ग्राफ क्या कहता है, पूर्ण ग्राफ कहता है अपने पास ऐसा ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि n-1 हो। मतलब n-1 हो प्रत्येक शीर्ष कोटि, तो समान तो होनी है। तो ये प्रत्येक जो भी एक पूर्ण ग्राफ होगा वो नियमित ग्राफ हमेशा रहेगा। अब फ्रेंड्स कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज है, पूर्ण ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष कोटि n-1 होती है, ये हमने देख चुके हैं। दूसरे हम घातों का कुल योग n * n-1 होता है। घातों का कुल योग से मतलब कि जो भी अपने पास कोटि होती है इनका टोटल योग होता है। जैसे ये 5 है, इसके पास 5 5 5 5 5, तो ये 6 बार आया तो ये 6 × 5 = 30। इसमें टोटल जो कोटियाँ होंगी वो 30 होंगी। ये n - n * n-1 से शो करते हैं। और पूर्ण ग्राफ में कोरों की संख्या n * n-1/2 होती है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी ग्राफ में अगर ग्राफ की कोटि 2e हो तो उसमें कोरों की संख्या e होती है। हम ये पहले हमें एक थ्योरम से प्रूव भी कर चुके हैं ये। तो ये इस तरह से हमने ये इसकी कर दिया, हमें जो अपने पास टोटल जो कोटियाँ थी वो n * n-1 थी, और कोरों की संख्या क्या होती है n * n-1/2। और पूर्ण ग्राफ, जो पूर्ण ग्राफ होता है वो n-1 नियमित ग्राफ होता है। मतलब पूर्ण, जैसे अपने पास ये ग्राफ था पूर्ण ग्राफ नहीं था, ये 2 नियमित ग्राफ है, क्योंकि इस प्रत्येक कोटि 2 है तो उसको हम 2 आगे दे देते हैं, 2 नियमित ग्राफ। इस तरह पूर्ण ग्राफ होगा उसमें n-1 होंगे, तो n-1 नियमित ग्राफ होगा। अब जो अपने पास आता है वो आता है चक्र, साइकिल। साइकिल किसे कहते हैं फ्रेंड्स, सरल ग्राफ GVE जिसमें n शीर्ष तथा कोर V1 V2 V2 V3 V से चलते चलते Vn-1 Vn और Vn से V1 विद्यमान हो, तो ऐसा ग्राफ सरल ग्राफ कहलाता है। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये कोई ऐसा ग्राफ होगा जो एक साइकिल बना रहा हो, जैसे जुड़ते उसको हम जैसे ये बना दिया हमने, ये ग्राफ बना दिया हमने V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9। इसको हमने दे दिया E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9, ये हमने दे दिया इसको। अब फ्रेंड्स हम इसमें देख सकते हैं, जैसे V1 से V2 के मध्य कोर है, तो V2 से V3 के मध्य कोर है,
V3 से V4 के मध्य कोर है, V4 से V5 के मध्य कोर है, V5 से V6 के मध्य कोर है, V6 से V7 के मध्य कोर है, V7 से V8 के मध्य कोर है, V8 से V9 के मध्य कोर है और V9 से V1 के लिए कोर है। अब इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स, हमने जैसे यहाँ पे V1 V2 V3 अगर यहाँ V5 दे देते, V6 जैसे कि हमने कोई ये दे दिया, एक हम अलग से एग्जांपल लेते हैं, यहाँ V1 V2 V3 V4 V5 V7 V6 और यहाँ पे हमने V8 ये दे दिया हमने। अब ये जैसे हमें देख रहे हैं यहाँ पे V1 से V2 है, ये हमने V3 V4 V5 V6 V9 हमने ये दे दिया, हमने यहाँ पे इस तरह से दे दिया V1 से V2। अब यहाँ V2 से V3 नहीं मिल रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमें V2 से V3 मिल रहा है, तो नेक्स्ट से अगला मिलेगा हमारे पास कोई 7 मिल गया, 7 से V8 मिल गया, V8 से V9 मिल गया, इस तरह से हमें मिलाते हुए एक साइकिल कब साइकिल बन जाएगी, एक चक्र बन जाएगा, तो वो जो भी ऐसा कोई ग्राफ होगा वो साइकिल ग्राफ होगा। अब उसके बाद आता है, अब उसके बाद धैर्य चक्र, धैर्य चक्र ऐसा चक्र सी एन जिसमें एक अतिरिक्त शीर्ष VN+1 प्रवेश कराया जाए तथा प्रत्येक शीर्ष CN के प्रत्येक शीर्ष को VN+1 से जोड़ा जाए, तो ऐसा इससे प्राप्त ग्राफ ध्रुवीय ग्राफ कहलाता है। अब ध्रुवीय ग्राफ जैसे अपने पास ये ग्राफ है, अब इसको हम ध्रुवीय ग्राफ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, V9 है, V10 हमने उसमें ऐड कर दिया। अब V10 को यहाँ से V1 से मिला दिया, V2 से मिला दिया, V3 से मिला दिया, V4 से मिला दिया, V5 से मिला दिया, V6 से मिला दिया, V7 V8 V9 इस तरह सभी से मिला दिया हमने, तो ये ग्राफ होगा, ये ध्रुवीय ग्राफ होगा। ये जरूरी नहीं है हमने यहाँ मिलाया, हम इसको कहीं भी मिला सकते हैं, लेकिन ये जैसे हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे साइकिल 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 होता है, अब साइकिल का जो टायर होता है वो इस तरह से एक चक्र बना देता है मिलते मिलते इस तरह से, और ध्रुवीय ग्राफ होता है जैसे साइकिल का टायर होता है उसके अंदर जो रिम्स होती हैं उसको हम इस तरह से मिलाते हैं ना, वो हर उससे मिलता हुआ रहता है, हर पॉइंट से मिलता हुआ रहता है, साइकिल में जब जो यहाँ पॉइंट यहाँ वो पॉइंट होते हैं उनसे मिलता रहता है, तो इसको हम जैसे ऐसा कोई ग्राफ बन जाता है उसको हम ध्रुवीय ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे हम देख चुके हैं प्रत्येक ध्रुवीय चक्र होगा वो पहले साइक्लिक ग्रुप होगा, साइकिल होगा उसके बाद ये ध्रुवीय चक्र होगा। अब हम इसे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है जैसे ध्रुवीय पहले साइकिल में जो साइकिल होता है उसमें उसमें जो टोटल जो कोटियाँ होते हैं उसका सम क्या होता है, बराबर ये होता है 2N। हम फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो और जो अपने पास जो कोटियाँ हैं इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, 2 9 बार आए हैं तो 9 की 2 है, तो इसकी हो गई टोटल, तो एन बराबर तो 9 था तो इसकी डिग्री भी बराबर 18 हो गई। हम देख सकते हैं यहाँ 2 + 4 6 8 8 10 12 12 2 12 2 14 14 2 16 16 2 18 इस तरह से 18 हो गई। अब हम देखते हैं ध्रुवीय चक्र में, भाई ध्रुवीय चक्र में हम ध्रुवीय चक्र में क्या होता है, ध्रुवीय चक्र में जो होता है अपने पास ध्रुवीय चक्र में जो कोटियों का सम होता है वो होता है 4N। 4N का मतलब फ्रेंड्स यहाँ से हमने एन तो अपने पास 2N तो पहले से ही थी, बाकी हमने इसको एक पॉइंट जोड़ के उसमें एन को हमने इसमें एक पॉइंट जोड़ के उसमें एन और उसमें कोर बनाई है, तो एन प्रत्येक एन कोर जो 2 डिग्री और देगी तो 2N+2N = 4N हो जाएगा, तो ये इस तरह से दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा, अगर हम V10 जोड़े यहाँ पे तो V10 से ये इसके पास 2 और आ गए, इसके पास यहाँ से 2 आ जाएंगे, यहाँ से 2 2 2 2। अब ये देख सकते हैं प्रत्येक की इसमें 3 हो चुकी है, तो ये हो चुके 9 × 2 टोटल, पहले 9 थे, 9 × 3 = 27 प्लस इस पॉइंट की जो ये V10 था इसकी भी 9, क्योंकि इससे 9 यहाँ से 1 1 यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 और कौन सा पॉइंट भूल गया हम यार, ये टोटल 9 है, V1 V2 V3 V4
V1, V3 ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये फ्रेंड्स इससे हमने जोड़ दिया। देखो जो V1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 और इसने जोड़ दिया तो ये हो गए टोटल, इसमें प्लस 9 हो गए 36, ये हो गए। तो ये 4 × 9 36। इस तरह से हमारे पास इसके पास जो दो फॉर्मूले आ चुके हैं ये आ चुके हैं। उसके पास उसके बाद आता है अपने पास जो अपने पास पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं द्विखंडी ग्राफ। फ्रेंड द्विखंडी ग्राफ क्या होता है? द्विखंडी ग्राफ या बाइप्रेटाइट ग्राफ, बाइप्रेटाइट ग्राफ ये कोई ऐसा ग्राफ होगा यदि किसी ग्राफ जी वी में शीर्षों के समुच्चय वी को, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इसकी, यदि किसी ग्राफ जी वी ई में शीर्षों के समुच्चय वी को V1 तथा V2 में इस प्रकार बांटा जा सके, में इस प्रकार बांटा जा सके, बांटा जा सके कि V1 के अवयव V2 के अवयवों V1 के अवयव V2 के अवयवों V2 के अवयवों व V2 के अवयव V1 के अवयव के अवयवों से कोरों की सहायता से जुड़े हो, से कोरों की सहायता से जुड़े हो, कोरों की सहायता, परंतु V1 का अवयव कोई भी V1 के अवयव से नहीं जुड़ा हो, V1 का अवयव V1 के अवयवों से ना जुड़ा हो, साथ ही V2 का अवयव V2 के अवयवों से ना जुड़ा हो। ना जुड़ा हो मतलब कि हमें कोई ऐसा जुड़ा हो द्विखंडी ग्राफ कहलाता है, द्विखंडी ग्राफ कहलाता है। मतलब कि हमें फ्रेंड्स इसमें ऐसे एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा जैसे हम GVE में कोई अपने पास ग्राफ होगा, जैसे V बराबर हम मान लेते हैं V1, V2, V3, V10 तक मान लेते हैं। अब हम V1 को इसमें हम ये दे देते हैं V1, V5, 3, V5, V7 ये दे दिया। V2 बराबर हमने अपनी तरफ से दे दिया अपने पास V2, V3, V2, V4, V5, V6, V8, V9, V10। इसमें ये भी होगा V1 एवं V2 जो दोनों होंगे वो एक दूसरे से ऐसे युक्त होंगे, कोई मतलब कि V1 का कोई भी अभी V2 में नहीं आ रहा होगा, तो V2 का कोई भी अभी V1 में नहीं आ रहा होगा। ये हमें इस तरह से दे दिया। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं? पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स डाल लेते हैं V1, V2, सॉरी V3, V5, V7। इसका हम ग्राफ इस तरह से भी बना सकते हैं अलग अलग करके हम, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम कर सकते हैं V1 यहाँ पे V1 है, यहाँ पे कहीं पे V2 है, कहीं यहाँ पे V3 है, यहाँ पे कहीं V4 है, यहाँ पे कहीं V5 है, यहाँ पे कहीं V6 है, यहाँ पे कहीं V7 है, यहाँ पे कहीं V8 है, यहाँ पे कहीं V9 है, और यहाँ पे कहीं V10 है। इस तरह से अब हमें देखना है, हमें कोई भी ऐसा ग्राफ बनाना है इसके लिए कि जो V1 का ग्राफ जैसे हम V1 से लें तो वो V3 से ना जुड़ा हो, V5 से ना जुड़ा हो, V7 से ना जुड़ा हो,
तो इसको हम बाकी से हम जोड़ सकते हैं, जैसे वी फोर से जोड़ दिया हमने, नो प्रॉब्लम। अब वी वी वन को हम यहाँ से जोड़, बस ये एक जोड़ दिया हमने, ये काफ़ी है। अब हम वी टू को लेते हैं, तो वी टू का ग्राफ जो होगा वो वी थ्री से नहीं, फोर से नहीं जुड़ा होगा, वी सिक्स से नहीं जुड़ा होगा, वी एट वी नाइन वी टेन से नहीं जुड़ा होगा। वी टू को हम किससे जोड़ सकते हैं, वी वन से जोड़ सकते हैं, वी थ्री से जोड़ सकते हैं, ये हो गया। अब हम जैसे कोई ये वी थ्री ले लेते हैं, वी थ्री वी वन वी फाइव एंड वी सेवन से नहीं जुड़ा होना चाहिए, तो ये हो गया अपने पास। वी सेवन वी सिक्स से जुड़ सकता है, ये वी सिक्स से जोड़ दिया हमने, वी टेन से जुड़ सकता है। इसी तरह कोई वी सेवन से, वी थ्री को हम वी सेवन से नहीं जोड़ सकते, लेकिन अब आगे पॉइंट ले लिया हमने वी सेवन, तो वी सेवन को हम किससे जोड़ सकते हैं, वी सिक्स से जोड़ सकते हैं, वी एट से जोड़ सकते हैं, वी नाइन से जोड़ सकते हैं। वी नाइन को अब जैसे हम वी टेन को जोड़ना चाहें, तो वी टेन को हम किससे जोड़ सकते हैं, वी थ्री से जोड़ सकते हैं, जुड़ा हुआ है वी थ्री, और वी फाइव सॉरी वी फाइव अपने पास ऐसा है तो किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ हो, तो वी फाइव को हम जोड़ सकते हैं वी नाइन से। इस तरह से जो ग्राफ बन गया, हम इसमें हम देख सकते हैं वी वी बराबर वी वन बराबर हम वी वन वी टू वी थ्री सॉरी वी फाइव वी सेवन, ये ग्राफ होगा। इसमें कोई भी वी वन जो वी जैसे वी वन पॉइंट है, ये वी थ्री वी फाइव वी सेवन से नहीं जुड़ा हुआ मिलेगा। इसी तरह वी थ्री जो पॉइंट होगा वो वी वन वी फाइव एंड वी सेवन से नहीं जुड़ा मिलेगा, और वी फाइव जो होगा वो इससे नहीं मिलेगा, और वी टू अपने पास वो अपने पास वी टू वी फोर वी सिक्स वी एट वी नाइन वी टेन। अब जैसे ये वी टू वाले में कोई भी हमें वी टू या वी जैसे हम वी टू लेते हैं, तो वी फोर से नहीं मिलेगा, वी सिक्स से नहीं मिलेगा, वी एट से नहीं मिलेगा, वी एन से नाइन से नहीं मिलेगा, वी टेन से नहीं मिलेगा। इस तरह बाकी के लिए भी यही अप्लाई होगा। जो ऐसा ग्राफ कोई होगा, वो ग्राफ होगा अपने पास द्विखंडी ग्राफ होगा। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कोई ग्राफ बना लेते हैं, हम उसको चेक करेंगे कि वो दिस ग्राफ है या नहीं। ये ले लिया हमने वी वन, यहाँ ले लिया वी टू, यहाँ ले लिया वी थ्री, यहाँ ले लिया वी फोर, यहाँ ले लिया वी फाइव वी सिक्स वी सेवन वी एट, हमने इस तरह से कोई ग्राफ ले लिया, ये इससे जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब ये समझ लो हमारे पास ये कोई ग्राफ है, अब हमें चेक करना है ये ग्राफ है जो अपने पास, ये दृष्ट ग्राफ है या नहीं, द्विखंडी ग्राफ है या नहीं। ये द्विखंडी ग्राफ के लिए हम देखते हैं, पहले हम वी वन बनाने की कोशिश करते हैं। वी वन वी वन किस किस से जुड़ा नहीं जुड़ा हुआ है, पहले देखते हैं। वी वन जैसे हम वी वन ले लिया, हम इसमें पहला पॉइंट ले लिया वी वन, अब हम देखते हैं वी वन किस किस से नहीं जुड़ा हुआ है। वी वन नहीं जुड़ा हुआ है तो वो वी टू से नहीं जुड़ा हुआ है, वी थ्री से नहीं जुड़ा हुआ है, वी फोर से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अब ये इससे भी नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे वी सेवन से नहीं जुड़ा हुआ है, वी एट से नहीं जुड़ा हुआ है, ये वी वन वी एट से भी नहीं जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है। अब हम वी टू बनाने की कोशिश करते हैं। अब जो ये हमने जिनसे नहीं जुड़ा हुआ है, अब जैसे ये हमने वी फाइव से लेके स्टार्ट कर दिया, वी फाइव किस किससे नहीं जुड़ा हुआ, वी फाइव से नहीं जुड़ा हुआ है, वी फाइव से नहीं जुड़ा हुआ है, वी सिक्स से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं वी सिक्स वी सेवन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये वी एट से नहीं जुड़ा हुआ है, वी वन टू से नहीं जुड़ा हुआ है, वी थ्री से नहीं जुड़ा हुआ है, वी फोर से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं वी थ्री यहाँ पे हम जैसे हम अगर देखना चाहें तो हमें ये द्विखंडी ग्राफ इस तरह से बनाना है कि इसके जो पार्ट हमें बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं कि ये एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन वी वन यहाँ पे हम देख सकते हैं वी टू वी सेवन से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये अगर वी टू इसमें है तो वी सेवन इसमें नहीं होना चाहिए, इसको हम हटा देंगे। और साथ में जैसे ये वी थ्री को लेकर चलते हैं, वी थ्री वी सेवन से जुड़ा हुआ था तो इसको हम हटा देते हैं, जो हम पहले हटा चुके हैं। वी थ्री वी एट से जुड़ा हुआ है तो वी एट इसमें नहीं रहेगा, इस तरह अपने पास इसमें रह गए वी वन वी टू वी थ्री वी फोर रह गए। अब जैसे हम वी फोर को लेकर चलते हैं, वी फोर किस से जुड़ा हुआ है सॉरी किस किस से नहीं जुड़ा हुआ है, वो वी फोर नहीं जुड़ा हुआ है, वी थ्री से नहीं जुड़ा हुआ है, वी फोर से नहीं जुड़ा हुआ है, वी वन से नहीं जुड़ा हुआ है, और ये वी फाइव से जुड़ा हुआ है, लेकिन वी वन से वी फाइव जुड़ा हुआ है, इसलिए हम वी फाइव को नहीं लिख सकते। अब ये ऐसे शीट्स बन चुके हैं इसमें जो जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं। अब हम जैसे वी टू लेते हैं,
V2 में जैसे हम V5 अपने पास लिया हुआ है, तो ये V6 से जुड़ा हुआ है, चलो जुड़ सकता है, ये बाकी किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ले सकते हैं आराम से। उसके बाद V6 लिया, V6 किससे जुड़ा हुआ है, V4 से जुड़ा हुआ है, यहाँ V4 है तो हम V4 को नहीं लेंगे, क्योंकि हम V4 को यहाँ ले चुके हैं वैसे भी, तो V4 इधर से भी कट जाएगा, इस वजह से भी कट जाएगा, क्योंकि अपने पास हम यहाँ ले चुके हैं V1 V2 V3 V4, तो V2 V3 ये तो हम काट ही देंगे, क्योंकि इधर नहीं होने चाहिए। बाकी हम इसमें देख सकते हैं V6, V7 से नहीं जुड़ा हुआ है, V8 से नहीं जुड़ा हुआ है, V7 V5 V4 V5 V6 V8 से किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। इस तरह से अपने पास ये दो ग्राफ बन चुके हैं, V1 और V2 हमने अलग निकाल चुके हैं, क्योंकि V1 के अवयव जो जुड़े हुए हैं इससे जुड़े हुए हैं, ना कि इनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह V2 के अवयव जो हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, ना कि इनसे जुड़े हुए हैं। इस तरह का ग्राफ होता है, वो होता है अपने पास द्विखंडी ग्राफ। उसके पास बाद आता है अपने पास कंप्लीट वाइप राइट ग्राफ, मतलब कोई कोई भी ग्राफ होगा वो द्विखंडी ग्राफ होगा, वो कंप्लीट द्विखंडी ग्राफ कब होगा ये आता है। कंप्लीट द्विखंडी ग्राफ जो होता है वो होता है इस तरह से, हम अगर कोई कोई ग्राफ है इसको कंप्लीट द्विखंडी ग्राफ, ये रहा अपने पास, ये डेफिनेशन है इसकी। कंप्लीट द्विखंडी ग्राफ GVE में V1 व V2 इस प्रकार बांटा जा सके कि V1 का प्रत्येक अवयव V2 के प्रत्येक अवयव से कोरों की सहायता से जुड़ा हुआ है, वो पूर्ण द्विखंडी ग्राफ कहलाता है। मतलब कि कोई ऐसा ग्राफ होगा जैसे कि ये V1 या V2 इसमें दो दो भाग में बांटा हुआ होगा, उसको V1 V2 V3 जैसे इसमें बांट लिया हमने एग्जाम्पल के लिए, V4 V5 V6 इस तरह से ले लिया हमने, ज़्यादा भी ले सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे हमने V7 भी ले लेते हैं, तो वो कोई ग्राफ कंप्लीट ग्राफ होगा, तो उस ग्राफ को V1 को V4 से भी जुड़ना होगा, V5 से भी जुड़ना होगा, V6 से भी जुड़ना होगा, V7 से जुड़ना होगा, इसी तरह V2 को बाकी इन चारों से जुड़ना होगा, V3 को इन चारों से जुड़ना होगा, लेकिन V1 V2 और V3 से नहीं जुड़ सकता। मतलब अब इस ग्राफ को हम बनाने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ V1 V2 V3 V7 V4 V5 V6 ये है, तो V1 V2 V3 से नहीं जुड़ सकता, लेकिन इससे जुड़ेगा, कंप्लीट होने के लिए उसको इन चारों से जुड़ना पड़ेगा। इस तरह V2 को इससे इन चारों से जुड़ना पड़ेगा, सॉरी इनसे जुड़ना पड़ेगा ये नहीं है, और V3 को इन चारों से जुड़ना पड़ेगा। अभी इसको भी देख सकते हैं, जैसे V7 को इन तीनों से जुड़ना पड़ेगा, तो तीनों से जोड़ देते हैं, तीनों से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, V6 को भी तीनों से जुड़ना पड़ेगा, तो जुड़ा हुआ है। इस तरह से जो ग्राफ बनता है वो अपने पास ग्राफ बन चुका है, इस तरह से जो बना हुआ ग्राफ होगा वो पूर्ण कंप्लीट वाइप्राइट ग्राफ यानी पूर्ण दृश्य ग्राफ होगा। मतलब इसको हम दोबारा देख सकते हैं, ग्राफ GVE में V1 व V2 से इस प्रकार बांटा जा सके कि V1 तथा V2 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे के प्रत्येक अवयव से के प्रत्येक अवयव कोरों की सहायता से जुड़े हुए हो। मतलब V1 का जो प्रत्येक अवयव होगा वो V2 के प्रत्येक अवयव से कोरों की सहायता से जुड़ा हुआ होगा, ऐसे ग्राफ कंप्लीट दृश्य ग्राफ कहलाते हैं।